हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 18 फरवरी 2020। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। एक मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में विश्व के जो भी वर्ल्ड के फेमस समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टेट में आज नागालैंड को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में मानक प्रमाण पत्र डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पूरा देखना है एंड तक, ओके, स्किप मत कीजिएगा। मोटिवेशन कोट देखते हैं आज का क्या है। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात हम बरगद को ही हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। ठीक है, आपको इन चार लाइनों में सब कुछ पता चल जाएगा कि देखो, आपके हौसले जितने बुलंद होंगे, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अप है, तो आप कितनी भी मुश्किल आपके सामने आएंगी, आप उनको फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कि आत्मविश्वास को अंदर इतना अच्छा रखिएगा, जिससे क्या हो कि आप अपने आत्मविश्वास के बलबूते अपनी जो भी आपका मुकाम है उसे हासिल कर सकें। ओके, तो आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम, सब आप फेस करते हुए, उनको नेगलेक्ट करते हुए आप अपनी जो भी अचीवमेंट है उसे हासिल कर लें। ओके, तो अब इसी के साथ आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अपनी आपको जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनका रोना नहीं रोना है, बस आगे बढ़ते जाना है और अपना प्रयास इतना अच्छा करना है कि आपको अपने मुकाम और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। अब देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ क्या रहेंगी। अर्थव्यवस्था से रहेगी पहली न्यूज़। भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक मंडल ने किस वित्त वर्ष से RBI के वित्तीय सरकार को सरकार से वित्तीय वर्ष से संरेखित करने की सिफारिश की, जो वर्तमान में जुलाई जून है। तो वर्ष 2020 तक क्या किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालक मंडल के RBI के वित्तीय वर्ष को सरकार वित्तीय वर्ष से संरेखित करने की सिफारिश कर दी है, जो वर्तमान में जुलाई जून है। अब RBI की बात हो रही है तो RBI के हेडक्वार्टर आप सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र में है, और RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में चौथे नंबर के डेप्यूटी गवर्नर को नियुक्त किया गया, उनका नाम है माइकल डी पात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से रहेगा। 14 फरवरी को भारत ने समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में किस यूरोपीय राष्ट्र के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, पुर्तगाल के साथ इन्होंने संयुक्त जो भी समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र हैं इनके लिए समझौते किए। अगर आपको नोट्स अरेंज करने हैं तो आपको क्या करना है, इंडिया प्लस पुर्तगाल, पुर्तगाल लिख लेंगे, फिर उसमें MOU लिखेंगे किस बात के लिए, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में होने वाले प्रौद्योगिकी शिखर परिषद 2020 में भारत का भागीदार देश कौन सा है। तो जो प्रौद्योगिकी शिखर परिषद 2020 होगा उसका भागीदार देश रहेगा पुर्तगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कौन सा है जिसने लंदन में केवल 10,000 रुपये की लागत से किराना चार्जर नामक स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सा स्टार्टअप है, FAE बाइक है। ठीक है, इन्होंने 10,000 रुपये की लागत से किराना चार्जर नामक स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशीलता के बारे में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे मूव 2020 परिषद किस शहर में 11 से 12 फरवरी को आयोजित की गई थी, तो लंदन में। अब आपको याद क्या रखना है, मूव 2020 परिषद जो हुई थी वह किस शहर में हुई थी, तो वह लंदन को हुई थी। कब से कब तक हुई थी, तो 11 फरवरी से 12 फरवरी तक, इसे 2 दिन तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, नेशनल न्यूज़ रहेगी। 13 फरवरी को ESI कॉरपोरेशन की 181वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो ये हुई है दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन वाराणसी से इंदौर मार्ग पर चलेगी जिसका नाम क्या है, काशी महाकाल एक्सप्रेस है, जो तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन है। ठीक है,
क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तीसरी जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है वह किन किन शहर के मध्य चलेगी, तो वाराणसी और इंदौर के मध्य ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की जनजातीय बैठक 1 जून से 3 जून 2020 तक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये मुनस्यारी में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में आयोजित की जाएगी। कौन सी बैठक? जनजातीय बैठक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष से, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर इंडिया है उनके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव बंसल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, चाणक्य की नीति वर्सेज ऑन लाइफ एंड लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है ए एन डी हक्सर। कौन है? चाणक्य की नीति वर्सेज ऑन लाइफ एंड लिविंग के पुस्तक जो है उनके लेखक है ANDHuxer। नेक्स्ट आपका न्यूज़ हो जाएगी खेल से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा ओलंपिक पात्रता खिलाड़ी के लिए 52 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं अमित पंघाल जी। अब ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा ओलंपिक पात्रता खिलाड़ी के लिए 52 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले ये भारतीय हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ जो रहेगी राज्य से रहेगी, स्टेट लेवल पर रहेगी, किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग किया है, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने क्या किया, जो पेंगुलिन है जो कि COVID-19 का वाहक है, मतलब कि उससे ये पेंगुलिन से माना गया है कि पेंगुलिन के द्वारा ही कोरोना वायरस को मतलब फैला है कोरोना वायरस, और WHO ने कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम कर दिया है COVID-19, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार का नया मोबाइल ऐप कौन सा है जिसके माध्यम से जनता पुलिस को नशीली पदार्थ के दुरुपयोग के बारे में सूचित कर सकती है। अब केरल ने क्या किया है कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है योधावू, मतलब कि वॉरियर, इसका मतलब होता है वॉरियर। अब केरल की आपको कैपिटल तो पता ही है, तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, और पिनाराय विजयन जो है वो वहाँ के CM हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लंबित प्रस्तावों का पालन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं अरविंद सावंत जी। ओके, अब बात करेंगे जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान की। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1999 में हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ओके, अब सतपुड़ा व्याघ्र परियोजना है जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इस परियोजना जो ये परियोजना है वो होशंगाबाद जिले में है जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हुई थी स्थापना। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो लोशाने स्विट्जरलैंड के एक जगह पर इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय मुंबई में, गवर्नर अगर पूछे जाएंगे तो शक्तिकांत दास हो जाते हैं। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, और उसके साथ साथ आपको शेयर तो करना ही है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप वीडियो वॉच कर सकेंगे, वीडियो वॉच करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे FB पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें शेयर चैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ना देख कर ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं रिविज़न के तौर पर, तो आप खबरी ऐप जो है वहाँ पर आप जाइए, तैयारी बिगनर्स की चैनल वहाँ पर सर्च कीजिए, आप वहाँ से हर रोज़ ऑडियो क्लिप सुन के अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। ओके, एंड आप PDF अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, लिंक उसी में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कीजिए और आपको तैयारी बिगनर्स की ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी क्लासेस की PDF सुटेबल रूप से प्राप्त हो जाएंगी। ओके, तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या क्या हैं। दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय
तो यह भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय, भारत पेपर मनी मतलब कागज मुद्रा के रिवाजन रिजवान रजाक संग्रहालय का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन ने 15 फरवरी को किया था। यह 17 फरवरी को जनता जनता के लिए खुल गया है या खुला रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। तो जो पहला मुद्रा संग्रहालय है कहाँ खोला गया है, तो दक्षिण भारत में खोला गया है। भारत पेपर मनी कागज मुद्रा के रिजवान रजाक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है वो किया है गवर्नर थे पूर्व में डॉक्टर सी रंगराजन जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में शहरी ऊष्मीय द्वीप। IIT खड़गपुर का हालिया अध्ययन क्या कहता है कि मानवीय हस्तक्षेप भारत में शहरी ऊष्मीय द्वीपों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कहा गया था कि उपनगरों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म तापमान और प्रदूषण के अलावा उष्ण लहरों तथा लू के कारण संभावित खतरे हो सकते हैं। अब भारत में क्या हुआ है, शहरी ऊष्मीय द्वीप हुआ है। इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें अपेक्षाकृत गर्म तापमान होगा, प्रदूषण के अलावा उष्ण लहर और लू के कारण संभावित स्वास्थ्य खतरे हो जाएंगे। तो IIT खड़गपुर ने एक अध्ययन किया है, एक रिसर्च की है, उसके अनुसार ये आंकड़े हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी महाकाल एक्सप्रेस। अब क्या है ये काशी महाकाल एक्सप्रेस, इसके बारे में जान लेते हैं। काशी महाकाल एक्सप्रेस की एक सीट जो दो राज्यों में तीन ज्योतिर्लिंग को जोड़ती है, तो भगवान शिव को समर्पित एक छोटे मंदिर में बदल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भगवान शिव के लिए ट्रेन में कोच V5 की सीट संख्या 64 को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। काशी महाकाल एक्सप्रेस ओमकारेश्वर इंदौर, महाकालेश्वर उज्जैन और काशी विश्वनाथ वाराणसी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ती है। मतलब एक ट्रेन है जो इंदौर उज्जैन और वाराणसी ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, तो उनमें से तीन ज्योतिर्लिंग को ये ट्रेन जोड़ती है। इस ट्रेन को PM नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को वाराणसी जंक्शन से हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो किन किन ज्योतिर्लिंग को जोड़ती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो वो है इंदौर में, महाकालेश्वर उज्जैन में है और विश्वनाथ काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा न्यूज़, जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। जम्मू और कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 एक प्रशासनिक कानून है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा या आरोप के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दे देता है। इस अधिनियम के आधार पर किसी को बिना किसी वारंट, विशिष्ट अभियोग और बिना उचित समय दिए गए हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में अधिनियम हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारण के बारे में सूचित करने का प्रावधान करता है, साथ ही उसको अपनी हिरासत के खिलाफ सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका भी देता है। अब ये बात आपको ये एकदम बिलिंग कर रही होगी कि ये चर्चा में है क्यों, आखिर चर्चा में है तो कुछ कारण तो हो गई। तो कारण ये है कि जब अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, तो उससे पहले जो भी अराजक तत्व थे जैसे कि महबूबा मुफ्ती थी और जो पत्रकार थे और भी थे, तो उन्हें सभी अरेस्ट, उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अब इसलिए इस अधिनियम के बारे में ये बात हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है वो क्या कहता है। तो ये 1978 के अनुसार इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे आरोप के 2 साल तक इसे हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को 3 महीने के भीतर महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। इसने उन रूढ़ियों को खारिज कर दिया है जो कि केवल महिलाएं ही घरेलू कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकास प्रक्रिया है, महिला अधिकारियों की नियुक्ति की सभी शर्तें उनके पुरुष समकक्षों जैसी होनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, जो ऑफिसर्स मेन ऑफिसर्स हैं, जो मेल ऑफिसर्स हैं वो ही सब चीज़ जो भी उनके लिए समकक्ष जैसे उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वह सभी महिलाएं अधिकारियां जो हैं उनको लिए भी वे समकक्ष अधिकार जो भी सुविधा है वो दी जाए। ठीक है,
तो अब बात करेंगे जो भी सामान्य ज्ञान है उसके बारे में। नहीं, हाँ, एक न्यूज़ है ये, इसरो 2021 में 20 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। अब इसरो क्या करेगा, इसरो के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंडियन रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, के सिवान इसके हेड हैं। ओके, और ये इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। ओके, तो अब बात करेंगे इसरो ने क्या किया है कि 2020 से 21 में एक 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की 2020 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के दौरान भारत को 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजने, इसके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे। ये पहली जियो इमेजिंग सैटेलाइट होगी, GIS-81 जैसी नई श्रेणियों को भी लॉन्च करता है। केवल 3 संचार उपग्रह जो अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख श्रेणी है और जो संचार उपग्रह अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाबद्ध हैं। मतलब कि जो भी वित्तीय वर्ष आके आएगी उसके लिए योजना में ये रखे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिए, इसरो 2021 में कितने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, तो आपको याद रखना है 10। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र, वर्ल्ड के जो भी मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं वो देख लीजिए। अभी सारे तो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, वो इंक्लूड किए हैं केवल 10, तो आप इन्हें पहले याद कीजिएगा। सब कुछ इकट्ठा कंपाइल कर देंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल, ये लंदन के समाचार पत्र हैं। जो भी PCS लिखेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये। PCS हैं, UPSI हैं और SSC है, बैंक है, उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 110%। डेली मिरर, इंडिपेंडेंट, कि कहाँ का समाचार पत्र है, तो ये भी लंदन का है। तो द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल, डेली मिरर, इंडिपेंडेंट, ये सभी जो समाचार पत्र हैं वो कहाँ के हैं, लंदन के। ली फिगारो पेरिस का समाचार पत्र है। इज्वेस्तिया प्रवादा मास्को का समाचार पत्र है। डान कराची का समाचार पत्र है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर जो है वो ढाका का जो है समाचार पत्र है। द आइलैंड जो है कोलंबो श्रीलंका का समाचार पत्र है। खलीज टाइम्स जो है दुबई अबूधाबी, दुबई के अंदर जो समाचार पत्र चलता है वहाँ का चलता है खलीज टाइम्स। ईस्टर्न सन सिंगापुर में इसका समाचार पत्र, जो ईस्टर्न सन है वो सिंगापुर में इसका समाचार पत्र चलता है। मेनेची ये टोक्यो में चलता है। ठीक है, अब आपको कैसे याद रख लेना है ये और देख लीजिए। द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल, डेली मिरर, इंडिपेंडेंट, तो ये कहाँ से आ रहा है, लंदन से। ठीक है, ली फिगारो फ्रांस, मतलब कि पेरिस में। इज्वेस्तिया प्रवादा, तो ये कहाँ है, मास्को। ठीक है, डान कराची में डान है। ठीक है, बांग्लादेश ऑब्जर्वर है ढाका। ठीक है, द आइलैंड कोलंबो। ठीक है, खलीज टाइम्स दुबई, ईस्टर्न सन सिंगापुर, मेनेची टोक्यो। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में हम आज डिस्कस करेंगे नागालैंड को। अब नागालैंड की कैपिटल तो आप सभी को पता ही है, कोहिमा होती है। सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे दीमापुर। ठीक है, जिले अगर नागालैंड में पूछे जाएंगे तो 12 हैं। राजभाषा वहाँ की अंग्रेजी है। गठन अगर पूछा जाएगा तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि हैं, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा एक सीट है और लोकसभा की 2 एक सीट है। तो अब आपको कैसे याद रखना है कि 12 जिले और राज्यसभा एक और लोकसभा एक। ओके, अब जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और कोहिमा में इसकी खंडपीठ आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे सीमा की, तो सीमा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से मिलती है और दक्षिण में मणिपुर से, पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में असम से नागालैंड की सीमा टच होती है। राज्य की पक्षी अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे दुकुल। अगर राज्य की पशु पूछा जाएगा तो बादली तेंदुआ,
राज्य दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। पर्वत जो हैं वहाँ पर वरेल और जाम्फू पर्वत नागालैंड के अंदर मिल जाएंगे। नदियाँ अगर पूछी जाएंगी तो दोयांग, दिरक, धनश्री, झाझी और दिखू नदियाँ आपको नागालैंड के अंदर मिलेंगी। झील लेचाम झील जो है वो नागालैंड में अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाएंगे तो एक इतंकी अभयारण्य और फाकिम पुली बाजडे अभयारण्य आपको मिलेंगे नागालैंड के अंदर। सन 1957 में नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाकर असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया था। इसे असम राज्य के नागा हिल्स जिले के नाम से जाना जाता था। 1957 में क्या हुआ था, नागालैंड को एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना के असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया था। जो असम के राज्यपाल थे उस समय तो उनके अधीन कर दिया गया था और नागा हिल्स जिले का नाम कर दिया गया था। सन 1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य घोषित कर दिया गया। तो ये छोटी छोटी लाइन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड हो गए। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जिसमें बात करेंगे मानक प्रमाण पत्र थी। तो कल हमने बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश का एक अकलौता प्रथम उत्तर प्रदेश की एक तहसील है लखीमपुर की, जिसे 14001 ISO प्रमाण पत्र है जो प्राप्त किया गया। तो वो आपके दिमाग में ये आया होगा कि क्यों प्राप्त किया गया है। तो ISO 14001 जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की लखीमपुर तहसील को दिया गया है। तो ISO 9001 किसके लिए दिया जाता है प्रमाण पत्र, तो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। ओके, ISO 22000 खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ISO 27001 सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया जाता है। अगर किसी को ISO 27001 अगर प्रमाण पत्र दिया जाए तो आप समझ जाइएगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया गया है। ISO 9202 अगर दिया जाए तो आभूषणों की शुद्धता के लिए दिया जाता है, ऑर्नामेंट्स की जो भी प्योरिटी होती है उनके लिए ISO 9202 मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ISO 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणन पद्धति के लिए दिया जाता है। ISO 15700 अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन पद्धति के लिए ये पुरस्कार जो मानक प्रमाण पत्र है ये दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। पृथ्वी के भारी भाग को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का जो भारी भाग होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। सबसे छोटी हड्डी अगर पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कान की हड्डी जो होती है स्टेपीज। ठीक है, इसे और अगर सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है उससे सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। आई डियर किसकी आत्मकथा है, तो आई डियर सब है किरण बेदी की आत्मकथा। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी, तो गुप्त शासक जो थे उनकी राजभाषा संस्कृत थी। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो नगीना मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो सिट्रस फलों के लिए भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रसिद्ध है। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर। ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें ब्रह्म समाज का संस्थापक भी कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय कौन थे, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करके अब वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और आपको सभी क्लासेस के PDF प्राप्त हो जाएंगे। और आपको हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी अगर आप यूज करते हैं वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ऑडियो क्लिप सुनना है, अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है और रिविज़न करना है, तो आप हमारे खबरी चैनल पर ऑडियो क्लिप करंट अफेयर की सुन सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको
वहाँ पे फॉलो और मतलब फॉलो भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हमारी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है और अपने सपनों का बहुत ख्याल रखना है और आगे बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, और मन में हमेशा यही जुनून लेके चलना है, आगे हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप, और सभी लोग खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।